हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का हॉस्टल। तो और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही आपको इसके जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी, तो गाइस देखिए इसे अंत तक। तो दोस्तों, अपने वीडियो के स्टार्टिंग में उसका जो एंट्रेंस है वो देख लिया। अभी हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग से और हर 20-22 फीट के डिस्टेंस पे रूम आपको दिखेंगे दोस्तों, जो कि 20-22 फीट के होते हैं। होस्टल में 180 रूम्स है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सामने जो रूम्स और इधर थोड़ा बाउंड्री वगैरह है और पेड़ है। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड है जहाँ पर मतलब थोड़े एक्सरसाइज करने के लिए जगह लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि मतलब जो सुंदरता है बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि हॉस्टल बाहर रहने से अच्छा हॉस्टल में रहना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप हॉस्टल को मतलब मिलता है तो उसे ही चूज़ कर रहे हैं। हॉस्टल में रहना बहुत अच्छा होता है, सेफ रहता है, अपनी सुरक्षा रहती है। और आपको दिखाता हूँ मैं राइट साइड का जो हमारी विंग रहती है राइट साइड की, वो दिखाता हूँ। चलो वहाँ चलते हैं हम। तो इधर हमारा पहले आपको मेज दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ पर हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो रूम्स ऊपर रहे उनके लिए। और ये हमारा मेस है दोस्तों। अभी लाइट्स ऑफ है इस वजह से आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन जो मेस की क्वालिटी मतलब जो देखने में सुंदरता है बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे टेबल्स वगैरह सब रखे हुए हैं। सामने जो टेबल रखा है उस पर खाना वगैरह परोसा जाता है। अभी देख सकते हैं आपको सुबह चाय भी मिलती है। चाय उसका छोड़ दो दोस्तों, लेकिन सुंदरता बहुत अच्छी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं जो दूसरी विंग है राइट साइड की, वो भी देख सकते हैं आप दोस्तों की बहुत अच्छी है। अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो आने को है और कोई जो आ भी गए तो उनकी वजह से थोड़ा खाली रहता है। तो मतलब बहुत ही सुहाना और अच्छा माहौल दिखता है दोस्तों हॉस्टल का माहौल। और यहाँ पे फिल्टर्स के लिए पानी भी है, मतलब दिक्कत कोई नहीं होती दोस्तों। सिर्फ मतलब किसी को खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे कितने सारे पेड़ है, अशोक के पेड़ बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ का जो व्यू है और यहाँ का जो माहौल है दोस्तों, एक मन मिलाओ माहौल है। मतलब यहाँ पर आने वाला कोई सा घर में नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी आपको सेकेंड ईयर के रूम दिखाते हैं। सेकेंड ईयर की तरफ देख सकते हैं आप दोस्तों, सेकेंड ईयर इधर इस तरफ भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों तरफ ही रूम है। और अभी चलो आपको एक आधा रूम भी दिखा देते दोस्तों। चलो तो आपको दिखा देता हूँ, मेरा ही रूम दिखा देता हूँ। चलो दोस्तों देखिए हमारा रूम, कि हमारा रूम कैसे है, रूम कैसे होते हैं। तो कोई रूम की ऐसी क्वालिटी दोस्तों कि कोई रूम ख़राब होते, कोई रूम अच्छे होते। तो चलो अभी चलते सबसे पहले मेरे रूम को देखने के लिए। और गाइस, इधर आप दूसरी तरफ आ गए जहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ रूम है दोस्तों, जहाँ पर हर कॉर्नर में बाथरूम की सुविधा है। और अभी आपको दिखाएंगे मेरा रूम, चलो देखते हैं मेरे रूम को। तो अभी ये रूम का दरवाज़ा है दोस्तों, अभी अंदर आएंगे हम। खुल गया सिम सिम खुल गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा मेरा रूम थोड़ा गंदा होगा, आपको अच्छा दिख रहा नहीं होगा, लेकिन रूम देख सकते हैं आपकी रूम की जो अच्छी है, रूम मतलब रहने के लायक है दोस्तों, बहुत अच्छा रूम है। और सुविधा इसमें भी बहुत अच्छी है, दोनों तरफ कबर्ड लगे हुए हैं जिसमें कि हम सामान रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं। और गाइस, जो हॉस्टल की तरफ से हमें बेंच मिलते हैं, चेयर मिलते हैं और सोने के लिए बेड मिलता है, मतलब जो सुविधा हमको रहने के लिए चाहिए वो सभी मिल जाती है। लाइट की सुविधा, बोर्ड वगैरह सब टिप टॉप होता है और फैन भी होता है दोस्तों। तो एंड द एंड दोस्तों, कि आपको देख लिया कि कैसा क्या होता है, तो आप ज़रूर भी आ सकते हैं हॉस्टल को, रह सकते हैं। हॉस्टल बहुत अच्छा होता है। और चलो, वीडियो को आपको पसंद आया ही होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपको मिले। एंड द लास्ट, जय हिंद जय भारत।